हेलो फ्रेंड्स, मधुरा भोग किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विंटर स्पेशल स्वीट डिश गाजर का हलवा। एक ऐसी रेसिपी जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। फ्रेंड्स, इसे बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, पर ये उतना ही टेस्टी बनता है। तो थोड़ा पेशेंस रखें इसे बनाते समय और इंजॉय करें टेस्टी गाजर का हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमने लिया है गाजर 1.5 किलो, चीनी 200 ग्राम, दूध 300 ml, घी 3 टेबल स्पून, ड्राई फ्रूट्स 1/2 बाउल, काजू बादाम किशमिश। सबसे पहले हम गाजर को छीलकर ग्रेट कर लेंगे। ध्यान रहे, इसे ग्रेट करने के लिए हमें मोटा कद्दूकस लेना है। अब एक पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून घी। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ गाजर। इसे लो फ्लेम पर लगभग 20 से 25 मिनट पकाएं। बीच बीच में थोड़ा सा इसे चलाते रहें। ध्यान रहे, हमें गाजर को ढकना नहीं है, इसे अभी खुले में पकाना है। लगभग 20 मिनट बाद आप देखेंगे गाजर बिल्कुल आधी हो चुकी है और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दें और लगातार इसे चलाते रहें, लगभग 7 से 8 मिनट के लिए। अब फ्लेम थोड़ा कम कर दें और इसमें अब हम डालेंगे 300 ml दूध। अब पैन को कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए हलवा और पकाएंगे। बीच बीच में थोड़ा इसे मिक्स करते रहेंगे। लगभग 20 मिनट बाद आप देखेंगे गाजर दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी 200 ग्राम और ड्राई फ्रूट्स काट कर 1/2 बाउल। अब इसे कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट तक पकने दें। ध्यान रहे, इसे हमें बीच बीच में जरूर चलाते रहना है, नहीं तो हलवा पैन में चिपक जाएगा और टेस्ट खराब हो जाएगा। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं काफी अच्छा कलर आ चुका है। तो लीजिए, तैयार है हमारा विंटर स्पेशल गर्मा गर्म गाजर का हलवा। फ्रेंड्स, आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी जल्दी से सब्सक्राइब करें। दिस रेसिपी इज प्रेजेंटेड बाय मथुरा भोग।